अभी सब मैंने गले में कीचड़ बताया हुआ है। बाबा यहाँ से सब्जी ले रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। कल रात से जो है बारिश होना शुरू हुई है, तो सुबह पूरी जो है बारिश होती रही है। तकरीबन अभी थोड़ी देर ही रुकी है पहले, तो मैंने पूरे घर को जो है अभी धो लिया है, क्योंकि मिट्टी मिट्टी जो है छतों से जो मिट्टी आती है ना, तो फिर वो सहन में सारी मिट्टी, कमरों में मिट्टी, इस तरह से फिर जो है पूरा मैंने कहा फर्श ही धो लूँ, तो इसलिए मैंने पूरा जो है फर्श ही धो लिया है। लेकिन मौसम अभी भी खराब है, बारिश का कोई पता नहीं, दोबारा भी हो सकती है बारिश। आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त। भिंडी जो है हमारे साथ वालों ने दी, क्योंकि उनके गांव से जो है भिंडी आई थी, तो उन्होंने जो है थोड़ी बहुत हमें भी दे दी। अभी मैं पहले जो है भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो है ना ये भिंडियों को फ्राई कर लेते हैं हम, और बाद में जो फिर हमने मसाला बाद में बना लेना है। यहाँ से जो है मैं मसाला जात बना लेती हूँ, प्याज, अदरक, लहसुन, थूम भी कह रही हूँ, लहसुन और अदरक, टमाटर वगैरह। और ईद माशाल्लाह से जो है सबकी अच्छी गुजरी होगी इंशाल्लाह, हमारी भी बहुत अच्छे से गुजरी है। बाकी जो है आगे जो है हमारी शादी फिर आ रही है, शादी में जो है हमने फिर मसरूफ हो जाना है। घर के काम तो इतने ज़्यादा कुछ हो गए थे, मैंने सुबह से लेके अभी तक काम ही नहीं निपटाए, क्योंकि इतनी बारिश हुई हुई थी ना, ज़्यादा बारिश अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। फिर सुबह से जो है ना बारिश रुकी, जो है ना होने का, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, यानी कि बारिश बहुत ज़्यादा थी। कल से रात से भी हो रही है बारिश, लेकिन ये कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बारिश की वजह से मौसम अच्छा हो गया। जैसे गर्मी थी ना, वो गर्मी जो है उसकी शिद्दत ख़त्म हो गई है। बाकी फसलों का तो जो नुकसान हुआ होगा, तो बस अल्लाह पाक जो है ना सबके लिए आसानियां करे, बारिश ही किसी के लिए जहमत ना बने, बारिश सबके लिए रहमत ही हो। आज शादी जो है किसकी है वो रिवील कर देती हूँ, बताती हूँ कि जी शादी किसकी है। काफ़ी दिन से मैं शादी शादी का काफ़ी जिक्र कर रही हूँ। शादी जो है हमारी अपनी ही रिश्तेदारों की है, उन मेरे जो है रिश्ते में मामू लगते हैं। वैसे मेरे मामू बहुत ज़्यादा हैं रिश्तेदारों में, जो है ना मेरे मामू बहुत ज़्यादा हैं, वो मेरे मामू हैं, लेकिन वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। मामू बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे साथ हमेशा रहें, तो उनके बेटे की शादी है, तो इसलिए जो है ना उन्होंने मुझे सूट भी गिफ्ट किया शादी की खुशी में, अपने बेटे की, पहले बेटे की वो शादी कर रहे हैं, तो इसलिए जो है मैंने कहा आप सबको जो है ये बता दूं कि जो है शादी रिवील आज मैंने कर दी कि किसकी शादी है। और इंशाल्लाह जो है ना शादी भरपूर निभाएंगे। और पर मुझे ये भी हो रहा है कि एहतमाम की वजह से मैं शायद ना भी जा पाऊँ, जा भी पाऊँ कोई पता नहीं, क्योंकि अगर ये सीढ़ियों पर उनकी छत है ना, वो शायद छत पर भी फंक्शन करें, तो एहतमाम नहीं जा सकेंगे ऊपर, तो कभी ये सोच रही हूँ कि जागे पे नहीं जाएं, बारात और वलीमे में चले जाएंगे, या फिर देखते हैं जी जैसे होगा इंशाल्लाह, जो नसीब में लिखा होता वही फिर होगा इंशाल्लाह। एहतशाम कह रहे हैं नहीं नहीं आप जाइएगा, लेकिन मैं एहतशाम को छोड़कर तो जा नहीं सकती, जब एहतशाम जाएंगे तो मैं फिर शादी में जाऊँगी। भिंडी मैंने इधर फ्राई कर ली है और प्याज भी उन्होंने, अभी मैंने जो है चिकन का मसाला वगैरह जो है इसका बना लेना, और भिंडी को फ्राई करके मैंने अभी यहाँ पर रख दिया। रात को माइयों और मेहंदी का फंक्शन था, लेकिन हम नहीं गए थे, तो आज उनका फ़ोन आ गया कि आज तो कोई बहाना नहीं बनना, बारात है ना, तो इसलिए तो उन्होंने कहा आज लाजमी आपने आना, कोई भी बहाना नहीं बनाना आपने, तो आज जाना है हमने लाजमी, तो कल हम नहीं गए थे। अभी एहतशाम और असद भाई जो गए हुए हैं वो सेहरा लेने के लिए, जो कि दूल्हे को हार वगैरह पहनाएंगे ना, वो लेने के लिए गए, तो पीछे से कह गए आप लोग तैयारी कर कर पूरी कंप्लीट रखें, तो बस जल्दी से जो है ना फिर हम निकले यहाँ से। तकरीबन जो है अभी 1:30 बजे का टाइम है, और 2 बजे हमें यहाँ से निकलना है, 2 बजे जो है हमें यहाँ से निकलना है, 1:30 बज रहे हैं, लेकिन आधे घंटे में हमने तैयारी करनी है। अब आधे घंटे में देखते हैं जी किससे हमारी तैयारी होती है, जल्दी जल्दी से अब मैंने तैयार करना है, अजलान को भी, अजान को भी, खुद भी तैयार होना है, तो बस जैसे ही शाम आएंगे वो भी चेंज करेंगे, फिर हम लोग निकलते हैं।
असद भाई और मैं दूल्हे के लिए हार लेने आए हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब अभी रेडी हो गए हैं, शाम भी और मैं भी, अजान भी अल्हम्दुलिल्लाह से, अजलान भी। तो सहरा जो है बनवा कर रहे, तो मैंने कहा ये तो शाम बाहर फिर जेंट्स में पहनाएंगे तो मैं भी देख लेती हूँ और आप सबको भी दिखा देते हैं। जी ऐसे ही होगा ना, कैसे है ये? ऐसे अजान अपनी अपनी तैयारी दिखाओ बेटा। अजान भी अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा है, तैयार हो गया ये। तो ये सहरा बनवा कर आए हैं, असद भाई भी बनवा कर आए हैं और एहतशाम भी। ये देखें जी, बस अभी जो है हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बस असद भाई हमें लेने के लिए आते ही हैं, तो बस फिर हम जो है निकलते हैं यहाँ से। सहरा कैसा है आपने बताना है इसको। दोबारा से जो है मैं इसी में डाल देती हूँ ताकि फिर जो है एहतशाम जब निकाल लेंगे तो फिर पहना देंगे जी। अजलान का भी बैग रेडी है, बस अजलान को मैंने अभी शूज़ पहनाने, और अजलान को भी जो है मैंने कहा ये वाला सूट पहना देती हूँ। वैसे तो मैंने उसको पहनाया हुआ है, कमीज़ और जो शलवार है ना कुर्ता वो पहनाया हुआ है, तो थोड़ा सा वो बड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैंने कहा इसको ये वाला चेंज करवा देता हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम भी है अभी असद भाई के आने में, तो इसलिए जो है मैंने कहा ये वाला चेंज इसको करवा देती हूँ। अजलान को भी फिर से रेडी, वैसे तो रेडी है, तो बाकी घर जो है ना जब जब जाते हैं ना कहीं पर तो पूरा घर का फैलावा हो जाता है। और ज्वेलरी मैंने निकाली थी अपने लिए, मैंने कहा जो है मैं ये वाली ज्वेलरी पहनती हूँ, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा ये बाद में फिर कभी पहन लूँगी, तो मैंने पहनी नहीं। बस मैंने सिर्फ जो है ये टॉप पहने और ये रिंग पहनी है बस। दुआ दरवाजे बंद करिए, जल्दी जल्दी ताले लगा कर आए, आ गए असभी आ गए लेने के लिए। हम घर से निकले तो फोन पे रब्ता किए कि बारात निकल तो नहीं गई, और वही हुआ कि बारात जो है घर से निकल गई, और अभी हम रास्ते में, बारात भी रास्ते में है। देखते हैं जी, अगर हमें बारात मिल जाती है तो साथ में ही, नहीं तो फिर हम लड़की वालों के घर पे ही साथ पहुंचेंगे, ऐसे ही होगा। और वैसे जो है तकरीबन वो भी रास्ते में ही है, बारात वाले भी, वो तो आस्ते आस्ते ही आखिर जा रहे होंगे, तो बस देखते हैं जी उनको मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। अजान जो है आगे बैठा है आज अपने मामू के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से जो है हमें बारात रास्ते में ही मिल गई है, और अभी लड़की वाले घर तक नहीं पहुंचे। देखें जी ये सारे रिक्शे जा रहे हैं, रिक्शों में बारात जा रही है, सारी जो लाइन से रिक्शे जा रहे हैं ये सारे रिक्शों की बारात है, और ये गाड़ी जो है बनाने के लिए चार सामने लगा कैमरा खुला इधर खड़ा तार लाइक
दुल्हन को हम घर ले आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हम अभी जो है इधर ही दूल्हा वाले के घर पर हैं। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, आप सबको कैसी लगी उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दुआ आप ही से मैंने कहा है कि आज मेरी वीडियो बना दें।